हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, और 21 नंबर का क्वेश्चन है। 20 तक का क्वेश्चन मैं आपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये आर एस अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है। यदि ए अनुपाते बी 1/2 अनुपाते 3/8 है, बी अनुपाते सी बराबर 1/3 अनुपाते 5/9 तथा सी अनुपाते डी बराबर 5/6 अनुपाते 3/4 हो तो ए बी सी डी का मान बताइए। देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया है ये बटे में दिया है, तो इसको मिलाकर रेशियो में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, ए रेशियो बी बराबर दिया गया है 1/2 अनुपाते 3/8, ये दिया गया है। तो हमको रेशियो में, ये बटे में है, बटे में रेशियो है, तो हम डायरेक्ट रेशियो में जैसे ये ए बी लिखा है इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ए अनुपाते बी बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 और पूरे का बटा 3/8 लिख देंगे, 3/8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका 1/2 क्या होगा, ये 8 क्या है ऊपर चला जाएगा, क्या है अंश में सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये आपका चला जाएगा 2 इस तरह से। तो क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा, 1/2 ऐसे रहने देंगे, तो कहां ले गया 8 को, क्या 1 के स्थान पे ले गया, तो 8 ऊपर लिख दिया। नीचे 3 को 2 पे ले गया तो गुणे 2 3, ये होगा। अब इसको ये भी गुणा है, मतलब ये कुल मिला के यहाँ पर क्या है, दोनों गुणे का निशान बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान दिया गया है 1/2, इसको पलट दीजिए, पलट दीजिए कि क्या 8/3 कर दीजिए। समझाने का मैं तरीका थोड़ा बता रहा था। क्या करेंगे, जैसे 1/2 ऊपर लिखा, फिर नीचे पूरे रेशियो का मतलब होता है 1/2 मतलब की बटा, तो ये 1/2 है और नीचे हो जाएगा 3/8। इसको पलटेंगे, देखिए 8 कहां गया 1 के स्थान पर, 3 कहां गया 2 के स्थान पर, तो देखिए मतलब गुणा सामने गुणा हो जाएगा। तो वही मैं समझाने प्रयास कर रहा हूं कि 1/2 जो है 1/2 के इसको क्या है, इस रेशियो को पलट दीजिए, इस रेशियो को पलट दीजिए 8/3 कर दीजिए, बस इतना ही करना है। अब ये हो गया 8/, देखिए अब ये यहां पर गुणे का निशान लग जाएगा, और यहां पर 2 से 4 8, तो ये 4/3 हो गया। 4/3 को लिख सकते हैं 4/3, 4:3 लिख सकते हैं इस तरह से, ये संख्या निकल। अब देखिए जैसे BC है, अब B वाला निकालेंगे, B रेशियो C हमको निकालना है, 1/3 है रेशियो 5/9 ये दिया है। क्या करना है, इसको 1/3 गुणे 9/3 कर दीजिए, इतना करना है। अब क्या करना है, 3 को काट दीजिए, 3 3 9, तो ये आपका हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3:5, ये निकल आया। अब हमको C और D निकालना है, C और D का देखिए, C रेशियो D इक्वल टू 5/6 रेशियो 3/4 ये दिया है। तो इसको भी पलटिए, किसको, इसी को पलटना है, हमको इसी को पलटना है, तो 5:6 गुणे 4/3 इसको काटेंगे, 4/3 हाँ ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 3 4, ये यहां से गुणा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 3 9, तो इसको भी लग सकते हैं 10:9। अब देखिए यहां पर ए बी बराबर आपका इतना आया है, मतलब ये आपकी वैल्यू है ए रेशियो बी की वैल्यू है, ये है बी रेशियो सी की वैल्यू है, ये है सी रेशियो डी की वैल्यू है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए अब हमको सॉल्व करना है, हमको निकालना है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इसका मान निकालना है। तो
तो हम क्या करेंगे, पहले हम तीन को लेंगे, दो को ले लेंगे, हम इसको लेंगे और इसको ले बराबर करेंगे। क्या करेंगे देखिए, यहां देखिए, यहां पर बी है और यहां पर बी है, तो इसका मतलब ये आपका बी होना चाहिए, कॉमन है तो कॉमन है, तो सिंपल सा तो हम सीधे लिख सकते हैं अनुपात ए सी, सॉरी अलग करता हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी। जब ये तीन कॉमन हो गया तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार बी आया दोनों में कॉमन, देखिए यहां पर क्या है, अरे कहां तीर चला जाता है, ये यहां से आपको क्या करेंगे, ये तो यहां से हो जाएगा चार रेशियो तीन रेशियो पांच, ये हो गया। अब हमारा बचा क्या, सिर्फ बचा है टेन रेशियो नाइन इक्वल टू सी रेशियो डी। अब यहां देखिए, यहां पर यहां क्या है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। अब यहां ए की, अब यहां देखिए सी क्या है, यहां पांच है, और यहां सी की वैल्यू कितना है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। तो यहां देखिए, यहां हमको सी लाने के लिए इसमें इसका इसको लाने के लिए इसमें कितने का गुणा कर ले, तो इन सभी में हम दो का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा चार दूनी आठ, ये हो जाएगा तीन दूनी छ, ये हो जाएगा पांच दूनी दस। अब यहां से कि ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए सी की वैल्यू टेन है, तो टेन यहां की है, तो इसका मतलब एक कॉमन ही लेना हमको और आगे जरूरत नहीं है, तो अनुपाते। और डी की वैल्यू नाइन है, तो नाइन रेशियो डी, तो ये आपका आंसर आ गया, एट रेशियो सिक्स रेशियो टेन रेशियो नाइन, ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि ए अनुपाते बी बराबर दो बटे नौ अनुपाते एक बटे तीन, बी अनुपाते सी बराबर दो बटे सात अनुपाते पांच बटे चौदह, और डी अनुपाते सी बराबर सात बटे दस अनुपाते तीन बटे पांच हो, तो ए बी सी डी सभी जो अनुपात दिए गए हैं इसका मान बताना है। तो देखें कैसे लगाते हैं, इसको भी ऐसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया था सेम उसी तरह से लगाऊंगा समझाने के लिए। ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा दो बटे नौ दिया गया है, अनुपाते एक बटे तीन जो दिया गया है इसको पलटेंगे, इसको पलटेंगे दो बटे नौ, ये हो जाएगा एक तीन बटे एक, तीन त्रिका नौ, तो ये आपका दो अनुपाते तीन, दो बटे तीन बराबर दो अनुपाते तीन, ए और बी की वैल्यू आ गई। ऐसे बी और सी को निकालेंगे, बी और सी दिया गया कितना सात दो बटे सात, दो बटे सात दिया गया है अनुपाते पंद्रह पांच बटे चौदह, इसको पलट देंगे दो बटे सात गुणे चौदह बटे पांच, सात दूनी चौदह हो जाएगा, तो ये चार बटे पांच हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं चार अनुपाते पांच। तो हम पहले ए बी सी की अनुपात निकालेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, तो हमको यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम देखिए यह चार है और यहां तीन है, इसका मतलब ये ए है ये बी है और ये बी है और ये सी, इसका मतलब हमको बी और बी बराबर करना है। तो बी बराबर करने का मतलब है कि ये चार जो है इसमें गुणा कर दे और तीन का इसमें गुणा कर दे, तो इसमें हम चार का गुणा कर देते हैं, इसमें तीन का गुणा करते हैं, इन दोनों में गुणा करेंगे, तो देखिए चार दूनी आठ अनुपाते चार तीन बारह, और ये चार चार तीन बारह और पांच तीन पंद्रह, इसका मतलब हमारा बी का रेशियो आपस में बराबर हो गया है, मतलब कॉमन हो गया, बी क्या है कॉमन हो गया, तो हम कॉमन को एक बार लिखेंगे सिर्फ आठ अनुपाते बारह अनुपाते पंद्रह। अब हमारा बचा क्या, हमारा अब बचा है कितना सी और डी और सी डी का, देखिए ये सात बटे दस अनुपाते तीन बटे पंद्रह दिया गया है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको चेंज कर लेंगे, सी पहले सी आता है उसके बाद डी आता है, तो हम सी अनुपाते डी बराबर कर सकते हैं तीन बटे पांच अनुपाते सात बटे दस, इसको भी पलटेंगे तीन बटे पांच बराबर गुणे दस बटे सात लिखेंगे, पलटेंगे इस तरह से करेंगे, तो इसकी कट जाएगा पांच दूनी दस, तो ये हो जाएगा छह बटे सात, इसका मतलब सी अनुपाते डी बराबर आपका आ गया छह अनुपाते सात।
ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी अनुपात जो डी दिया गया है इसको लिख से 1:7:6 लिख सकते हैं, आराम से इतना लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको समझाने का तरीका है, ये 6:6:7 है तो हम क्या करेंगे 6:6 से भाग देंगे, तो इसे से कट कर 1 हो गया और ये आपका 1:7:6 इस तरह से हो जाएगा। क्या करें, 6 से दोनों में भाग दे दिया तो भाग दिया इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में 15 का गुणा कर देंगे। 15 का क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहां 15 है, सी हमको 15 यहां 15 लाना है, 15 लाना है तो 15 का गुणा कर दें, तो सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 15:15:7:6। लेकिन यहां देखिए, अब यहां से काटेंगे कितने काटिए, कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे, यहां 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 × 6 और 3 × 5 = 15, तो ये आपका 15:7:35/2। 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30:35। तो हमारा सी और डी की जो वैल्यू आई है, सी और डी की वैल्यू आई है 15 और 30 आ गई, इतना आ गया। लेकिन हमारा मान क्या है, 8, 12, 15। तो हम क्या करेंगे, सी को क्या करेंगे, सी अब सी 30 है, यहां सी क्या है 15 है, तो हम क्या करेंगे, सभी रेशियो में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, सभी रेशियो में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 12 × 2 = 24, 15 × 2 = 30। अब यहां देखिए सी की वैल्यू यहां भी 15 है, तो आप डी की वैल्यू कितना है 35, तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो डी बराबर 16:24:30:35। ये आपका वैल्यू है, हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालना था, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। दूसरे तरीके से मैं बाद में दूसरा वीडियो बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक में, उसको भी बता दूंगा, लेकिन ये आपको विस्तार से थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि ए बी सी बराबर 4:7:11, बी सी डी 21:33:44 हो तो ए बी सी डी का मान बताइए। क्या करेंगे, देखिए यहां ए बी सी अनुपात है, तो हम यहां पर बी है तो बी से शुरू करेंगे, बी सी और डी, ये हो गया। वही चीज इधर उतार लेंगे, 4:7:11, तो हम बी के स्थान पे कितना है 21 है, सी के स्थान पे 33 है और डी अलग है। जैसे इसमें किया गया है, इसका मतलब यह है बी दोनों में कॉमन, तो ये हो जाए a:b:c:d, इसका मतलब ये हुआ। इस तरह से दिया हो तो ये कॉमन, ये आपका कॉमन होना चाहिए, सी भी कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 7 है, हम किससे गुणा कर दें कि यहाँ 21 हो जाए, तो कुछ नहीं, इसमें पूरे में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21 और 11 × 3 = 33, ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहां से देखिए बी बी तुमको आपको कॉमन में होना चाहिए, सी सी कॉमन में, तो देखिए 21 21 हो गया, 33 33 हो गया, डी आपका अलग है तो 2 कॉमन होना चाहिए, तो आपका क्या हो गया 12:21:33:14। तो ये आपका ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, 12 21 33 44, इस तरह है। इसमें मतलब जब भी आपको गुणा करना है तो सभी में गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ देखिए 21 यहाँ तो 21 यहाँ, तो इसमें यही ध्यान देना है कि इसमें कितने का गुणा कर दें 21 हो जाए, इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये 33 हो जाए, तो देखिए दिख रहा था 3 में, इस समय में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 × 7 = 21 = 11 × 3 = 33, तो ये दोनों कॉमन हो गया। ये आपकी वैल्यू क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी, ये आपका डी है, तो ये आपका कॉमन है, बी भी कॉमन है तो बी 21 हो गया, ये आपका सी है तो 33 हो गया और डी आपका 44 हो गया, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो ये यही ए बी सी डी का मान निकालना था क्वेश्चन मार्क ए बी सी डी रेशियो में दिया गया है, तो आप बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान ये 12 21 33 44 रेशियो होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखें। यदि ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी हो तो ए टू दी पावर 4 इंटू बी टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये ए रेशियो बी रेशियो इक्वल टू सी दिया गया है, ये है। अब क्या करेंगे, ए रेशियो को क्या है बटे में लिख लेंगे, तो ए बटे बी हो जाएगा और बी बटे सी हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इधर का गुणा इसके साथ में करेंगे और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, और दोनों बी बीच में है बराबर है तो बराबर लगा देंगे। तो देखिए इसका इसके साथ गुणा किया तो बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ए सी हो जाएगा। तो ये आपका ये वैल्यू दिया है, हमको लगाना है इसको, इस पे सॉल्व करना, ये आ गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ए टू दी पावर 4 दिया गया है और बी टू दी पावर 4 दिया गया है, ये दिया गया है हमको। क्वेश्चन मार्क पूछा है कि क्या होगा, तो ए टू दी पावर 4 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या चेंज करेंगे, इसको दो बार लिख सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या a टू दी पावर अगर कोई m हो और गुड़े a टू दी पावर n हो तो हमको a टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं, अगर गुड़ा भी। तो अगर ये दोनों समान है, अगर ये दोनों m n समान है तो a टू दी पावर 2n हो जाएगा, क्यों गुड़े में घाते जुड़ जाता है, क्या है गुड़े में घाते जुड़ जाता है। तो अगर m बराबर n लिख दें तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका n प्लस n, तो बराबर a टू दी पावर 2m। अब n की वैल्यू क्या है, अब यहां से हम यही चीज कहना चाहते हैं कि इसको a टू दी पावर 2 इंटू a टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, और ये b की पावर में आपको b टू दी पावर 2 इंटू b टू दी पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा समझाने के लिए क्या, जैसे इसको अलग हम कर सकते हैं, ये अभी जुड़े हुए थे दोनों, क्या हो जुड़े हुए थे, तो हमको दोनों को गुड़े में क्या होता है, गुड़े में घाते जुड़ जाती है, गुड़ा में घाते जुड़ जाती है, पावर जो होते हैं पावर जो जुड़ जाता है। अब यहां से a स्क्वायर की वैल्यू दिया है ac, यहां भी b स्क्वायर की वैल्यू ac, तो इसको ऐसे रहने a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर रेशियो, b की वैल्यू दिया है ac और b की वैल्यू दिया है यहां भी ac, हम इसको लिख सकते हैं a इनटू a स्क्वायर और a स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, सी में सी का गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर। यहां से देखेंगे ये कॉमन है, कॉमन में रेशियो का मतलब क्या होता है बटा होता है, तो इसको क्या करेंगे बटे कर लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बटे में देखिएगा तो ये और ये कट जा रहा है, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब आपकी वैल्यू ए रेशियो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो हमारा पूछ रहा था a टू दी पावर 4 इंटू b टू दी पावर 4 की वैल्यू बताइए, तो हम निकाल लाए a टू दी पावर 2 इंटू रेशियो c टू दी पावर 2, इस तरह से निकाल सकते हैं a टू दी पावर 4 अनुपाते b टू दी पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अनुपाते c स्क्वायर, इस तरह से इसको सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखें, कह रहा है यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपाते b का मान बताइए, लिखेंगे। अब a का मतलब है a गुणे b, a गुणे सॉरी a का मतलब गुणा और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 का भाग दे देंगे, बराबर b का तो b गुणे 20 बटे 100, क्या करेंगे 20% हटाएंगे तो नीचे भाग देंगे, एक जीरो इसका कट जाएगा, एक नहीं काटिए मत ऐसे रहने दीजिए, ठीक है जैसे है वैसे ले लीजिए, 20 बटे 100 हो जाएगा। b को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे इधर गुणा से नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा, और बराबर आपका 20 बटे 100, ये आपका 20 बटे 100, b को इधर ले बचाइए। अब ये जो बचा था ये अब इधर बचा हुआ था ना, ये जो आपका 15 बटे 100 बचा है इधर आएगा तो पलट जाएगा ऊपर ऊपर 100 चला जाएगा नीचे 15 हो जाएगा, अब इधर ये कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, किससे काटा 5 से, 5 3 15 और 5 4 20, तो ये हो जाएगा a बटे b बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, तो a अनुपाते
बी बराबर हो जाएगा 4:3। आपका ये आंसर निकालना था। पूछ रहा था ए अनुपाते बी का मान बताइए, ए अनुपाते बी का मान हो जाएगा आपका 4:3। इस तरह से क्वेश्चन 25 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।